इट विल द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जब आप एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर आउटपुट लो रखोगे तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ पे होगा फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर और जब आपके पास इनपुट एट लो प्राइस अवेलेबल होंगे फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर तो इट विल इंक्रीज देयर प्रॉफिट लेकिन ये जो पैराडाइम था वी शुड कीप द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लो टू

और जब ये एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज होगा तो इट रिजल्ट ये आप कह लेंग्र इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर आउटपुट क्यों हुआ वेन देर इज इंप्रूवमेंट इन रेलेटिव प्राइसेज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल गुड्स फिर इसी पैटर्न पे जो आपके पास मार्केटेबल सरप्लस इंक्रीज होगा वेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के इंक्रीज इन प्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है कंपोजिशन ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट

लेकिन अगर मैं एग्रीगेट लेवल पे बात करूं कि व्हाट इज करूँ टोटल सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड एंडल सरप्लस इन रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस तो दैट इज क्वाइट इन इलास्टिक इंडिविजुअल लेवल पे इंपैक्ट इलास्टिक है एग्रीगेट लेवल पे मैं कह सकता हूं दैट इज इन इलास्टिक क्योंकि जो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है दैट इज लिमिटेड देयर इज सम शफलिंग ऑफ रिसोर्स शफलिंग ऑफ लैंड फ्रॉम वन एग्रीकल्चर फ्रॉम वन फ्रॉम वन एग्रीकल्चर कमोडिटी टू उटपुट in in और एग्री गेट लेवल पे अगर हम सप्लाई इलास्टिस की बात करें फॉर एग्रीकल्चरल आउटपुट तो ये रेंज ल, आप कहें लाई करता है विद इन द रेंज ऑफ पॉइंट थ्री टू पॉइंट फोर जो कि मुझे इंडिकेट कर रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इज क्वाइट इन इलास्टिक फिर इसी पैटर्न पे अगर हम इलास्टिसिटी का लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन तो लॉन्ग रन में आप कह सकते हैं इस फिर इसी पैटर्न पे जब हम इलास्टिसिटीज का कंपेरिजन करें अक्रॉस एडवांस एंड अबंड लैंड अब डेवलपिंग कंट्रीज तो वहां पर भी क्या होगा दीज इलास्टिसिटीज आर क्वाइट हायर एज कंपेयर टू अदर के इलास्टिसिटीज़ आर हायर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ लेकिन जब आप इन्हीं इलास्टिसिटी का वहां परिटीज की वैल्यूज क्वाइट लो होंगी आपके पास फिर इलास्टिसिटी ऑफ एग्रीकल्चर विद रेफर प्राइस फैक्टर्स वो आप कह लें दैट इंपैक्ट इज रेलिटिवली लार्जर दैन विद रेफरेंस टू प्राइस इलास्टिसिटी की बात करोगे उसकी आप कहें वैल्यू लेस होगी एज कम्पेयर टू प्राइस एज कंपेयर टू नॉन प्राइस इलास्टिस की बात करोगे विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस तो इसका जो इंपेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप उसको किस होराइजन में देख रहे हो कि अगर आप इन अगर आप एक कमोडिटी के रेफरेंस में देखोगे तो वहां पे आप कह लें कि ये जो आपके पास सप्लाई रिस्पॉन्स होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस दैट इज क्वाइट इलास्टिक लेकिन जब आप एग्रीगेट लेवल पे देखोगे इट इज क्वाइट इन इलास्टिक लेकिन ये जो सप्लाई आपके पास सप्लाई इलास्टिसिटीज होंगी इट प्ले एन इट गिव सम इंडिकेटर अबाउट द एग्रीकल्चरल अबाउट द बिहेवियर ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर